हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सेपियंस 91। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी चैनल की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो सके। फ्रेंड्स यदि आप RRB और RRC की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो फायदेमंद होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा आज का पहला MCQ। हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। जालम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किस में समृद्ध होती है? तो फ्रेंड्स जालम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लिग्निन में समृद्ध होती है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, ग्रीन ईयर रोग बाजरा से संबंधित होता है। पेलिसेड पेरेंकाइमा पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स पेलिसेड पेरेंकाइमा पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। रोग फायर ब्लाइट किससे संबंधित होता है? तो फ्रेंड्स रोग फायर ब्लाइट सेव से संबंधित होता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। उत्तक जिसमें कोशिकाओं ने कोशिका विभाजन की क्षमता खो दी है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स स्थायी उत्तक ने कोशिकाओं विभाजन की क्षमता खो दी है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। साथी कोशिकाओं का आमतौर पर से संबंध देखा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, चालनी नली का। जिस वैज्ञानिक ने गेहूं की रस्ट समस्या के बारे में अध्ययन किया हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, केसी मेहता। चाय का लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स चाय का लाल रतुआ रोग हरी सेवाल के कारण होता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। टीका रोग किस फसल से संबंधित होता है? तो फ्रेंड्स टीका रोग मूंगफली से संबंधित होता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर से करें। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो फ्रेंड्स प्रोटोनियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, लेकिन ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, जल पराविद्युत स्थिरांक। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन हर अम्लों में पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, क्लोरीन द्वारा। बारी जल एक प्रकार का है? तो फ्रेंड्स बारी जल मंदक होता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। कार्बन है एक? तो फ्रेंड्स कार्बन अधातु होता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। और फ्रेंड्स आपका जो भी स्कोर हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, समुद्री जल को आसन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। शुद्ध जल होता है? तो फ्रेंड्स शुद्ध जल उदासीन होता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। एक नाभिक के रिएक्टर में बाहरी जल क्या करता है? तो फ्रेंड्स नाभिक के रिएक्टर में बाहरी जल न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है।
बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, बालों के ब्लीचिंग में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयुक्त होता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो फ्रेंड्स हीरे के संबंध में कैरेट बार होता है हीरे का, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा होता है? तो फ्रेंड्स पेंसिल में ग्रेफाइट काला शीशा के रूप में होता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है? तो फ्रेंड्स शुष्क सेल की धनात्मक छड़ जस्ते ही होती है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, चंद्रशेखर सीमा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स गति के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादन किया, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए सही सॉरी बी सही है। गति के नियम किसने दिया? तो फ्रेंड्स गति का नियम न्यूटन ने दिया और प्रतिपादन गैलीलियो ने किया, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ऑर्किड पेम्बियल में तक कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, जड़ में। साथी कोशिका का आमतौर पर से संबंध देखा जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, चालनी नलिका। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो सके। और फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आते रहते हैं।